हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जावा के एवोल्यूशन और ओवरव्यू के बारे में सोचा, के बारे में जाना, और आज से हम प्रोग्रामिंग, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, उसको देखेंगे। तो इन दो ट्यूटोरियल्स में हम फर्स्ट सैम्पल प्रोग्राम्स के बारे में सीखेंगे। तो पहला सैम्पल प्रोग्राम लिखने से पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। कुछ रूल्स हैं जो कि ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसमें से एक रूल है कि जो सोर्स फाइल का नाम होगा वो मैच करना चाहिए क्लास के नाम के साथ। हेयर सोर्स फाइल नेम शुड मैच विथ क्लास नेम। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये जो सोर्स फाइल नेम है वो क्लास के नाम के साथ मैच होना चाहिए, और ये क्लास जो है वो मेन मेथड वाला क्लास होना चाहिए। मतलब ये क्लास मेन मेथड को कंटेन करे। हम आगे ही डिटेल में इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। ये जो सोर्स फाइल होता है उसे हम मतलब ऑफिशियली कह सकते हैं कंपाइलेशन यूनिट। मतलब सोर्स फाइल ही जो है वो कंपाइल होता है जनरली, जैसे अगर समझने के लिए समझा जाए तो, और उसे ही हम लोग कंपाइलेशन यूनिट बोलते हैं। सोर्स फाइल जो है उसका डॉट जावा एक्सटेंशन होना चाहिए उसके फाइल नेम का। सोर्स फाइल शुड हैव डॉट जावा एक्सटेंशन इन फाइल नेम। और एक बात और ये समझने वाली है कि जावा में जो भी कोड है वो एक क्लास के इनसाइड ही हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और यहाँ सब कुछ क्लास या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से जितना भी कोड है वो क्लास के अंदर होना चाहिए। ऑल कोड शुड reside inside a class. और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो नाम होता है वो जावा चूंकि एक स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, तो कैपिटल और स्मॉल का नाम का ध्यान हमें, नाम का अगर कोई नाम कैपिटल हो, कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहा हो या स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये दोनों डिफरेंट होगा और इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा। इस तरह से जो ये सारे फीचर्स जो हमने बात की अभी वो जावा को आसान बनाते हैं जावा प्रोग्रामर के लिए कोड को मेंटेन रखना या ऑर्गेनाइज करना। तो इस तरह से मान लिया जाए हमारे पास एक क्लास है और उसका हमने नाम रख दिया एग्जाम्पल डॉट जावा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉट जावा एक्सटेंशन हम लोग यूज़ करते हैं उसका हमने, तो अगर हम लोग इसे, पहले हम लोग बात कर चुके हैं कंपाइलेशन क्या होता है, इंटरप्रेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग इसे कंपाइल करना चाहें तो हमें जो कमांड लिखना होगा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। यहाँ पर ध्यान देना है कि ई कैपिटल है, और जो हमारा क्लास का नाम होगा उसमें भी एग्जाम्पल में ई कैपिटल होगा। तो ये कंपाइल करने के बाद जो है वो क्रिएट करता है बाइट कोड वर्जन क्रिएट करता है। क्रिएट्स बाइट कोड। मतलब कि इस कमांड को रन करने के बाद ये डायरेक्ट आउटपुट नहीं देगा, एक इंटरमीडिएट बाइट कोड वर्जन
ये क्रिएट करता है, डायरेक्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो डायरेक्ट इसके बाद एक्सिक्यूट करने के लिए हम लोग एक और कमांड लिखेंगे, जावा एग्जाम्पल। ये जो है एक्सिक्यूट करने का काम करेगा। यहाँ पर आपने बस उस क्लास, तो इस तरह से ये तो एक फाइल का नाम जरूर है एग्जाम्पल डॉट जावा, बट ये इस क्लास का भी नाम है। तो इस तरह से जब हमने जावा एग्जाम्पल लिखा तो ये उस क्लास को एक्सिक्यूट करना चाहेगा जो कि सेम नाम के फाइल में, डॉट जावा फाइल में उपलब्ध है। तो सिंपली करने का मतलब है कि ये सर्च करेगा उस फाइल को, सेम नाम वाले फाइल को, और उसमें सेम नाम वाला क्लास होगा, और उसके अंदर जाकर ये मेन मेथड को एक्सिक्यूट करेगा। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई सोर्स कोड जो है जावा का वो कंपाइल होता है, तो सोर्स कोड में जितने भी क्लास होते हैं, हर क्लास के लिए अलग अलग डॉट जावा फाइल बनता है। इसको मैं लिख देता हूँ, व्हेन जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इज इन द विजुअल क्लास हैज इट्स ऑन आउटपुट फाइल। और ये आउटपुट फाइल कैसा होगा? ये आउटपुट फाइल डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ होगा। हाँ, तो यहाँ मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा है। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप दो लाइंस देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ सिंपल जावा प्रोग्राम, कॉल दिस फाइल एग्जाम्पल डॉट जावा। तो इसे जनरली हम लोग कमेंट बोलते हैं। कमेंट क्या होता है? कमेंट हमें अलाउ करता है, इंटर रिमार्क इंटर कर सकते हैं हम लोग कमेंट के थ्रू प्रोग्राम के सोर्स फाइल में। ये पूरा जो प्रोग्राम है, जिसे कि कोड भी बोल सकते हैं, ये किसी पार्टिकुलर सोर्स फाइल से बिलोंग करेगा। इस सोर्स फाइल का नाम होगा एग्जाम्पल डॉट जावा, जो कि नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है। तो जो कमेंट है, जो प्रोग्राम हमने लिखा है इस सोर्स फाइल के अंदर, उसके बारे में ये कमेंट जो है वो बताता है। और यहाँ पर समझने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो कमेंट्स है वो कंपाइलर के द्वारा इग्नोर की जाती है। कंपाइलर जो कंपाइल करता है वो यहाँ से करता है, और जो कमेंट्स को इग्नोर करता है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कमेंट्स इसके अंदर है, इन दो सिंबल्स के अंदर है, इसलिए कंपाइलर इसे इग्नोर करता है। तो इस तरह से कमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम। मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन्स ऑपरेशन ऑफ ए प्रोग्राम। हम लोग आगे देखते हैं। बट ये तो मैंने लिख दिया कि ये एक्सप्लेन करता है प्रोग्राम के ऑपरेशन को, बट रियल वर्ल्ड का जो एप्लीकेशन था, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में कमेंट जो है ये एक्सप्लेन करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज में। ये 5-10 लाइन के प्रोग्राम्स नहीं होते, थाउजेंड्स लाइन्स के प्रोग्राम, कई बार तो 10,000 20,000 लाइन्स के प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर ये कमेंट्स जो है वो पूरे प्रोग्राम के एक पार्ट के बारे में डिस्कस करता है, एक पार्ट के बारे में हमें बताता है कि ये पार्ट कौन सा स्पेसिफिक फीचर रखता है, क्या स्पेसिफिक कंपोनेंट ये पार्ट होल्ड करता है पूरे सॉफ्टवेयर या पूरे एप्लीकेशन के लिए। अब जो है वो जावा 3 टाइप के कमेंट्स को सपोर्ट करता है। ये जो पहला आप देख रहे हैं इसे मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। इसमें एक स्लैश स्टार यहाँ पर है और ये स्टार स्लैश यहाँ पर है। तो इस तरह से इसके बीच में जो भी लाइंस होंगी
उसे कंपाइलर इग्नोर करेगा और इसलिए इसे मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन पे आते हैं। यह है क्लास एग्जाम्पल। यहाँ पर क्लास एक कीवर्ड है, हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि कीवर्ड क्या होता है। ये कीवर्ड क्या करता है, एक न्यू क्लास को डिफाइन करता है। डिफाइन करता है मतलब कि यहाँ से एक नए क्लास की डिफिनीशन स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में जो भी पार्ट है कोड का, ये क्लास का डिफिनीशन है। तो इस तरह से क्लास एग्जाम्पल लिखने का मतलब है कि हम एक नए क्लास को डिफाइन करना चाह रहे हैं और इसका डिफिनीशन अंदर लिखा होना चाहिए। और एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर कहने का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एक नाम है, एक लॉजिकल नेम है जो कि हम इस क्लास को दे रहे हैं। क्योंकि हर क्लास जो हम क्रिएट करेंगे उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, तो इसके लिए एक नाम देना ज़रूरी है। जैसे कि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक अलग नाम होता है, वैसे ही हर क्लास का भी एक अलग नाम होना चाहिए। और इस नाम को लिखने के लिए भी सब कुछ रूल्स हैं, सिंपली से हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। इसके बाद आगे आते हैं। इस क्लास एग्जाम्पल के बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस है। तो क्लास का जो डिफिनीशन होता है वो कर्ली ब्रेसेस जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जो एंड हुआ, इसके बीच का जो भी कोड है वो क्लास के डिफिनीशन के रूप में जाना जाता है। आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ योर प्रोग्राम बिगिंस विद ए कॉल टू मेन और यहाँ पे डबल स्लैश है। पहला कमेंट हम देख चुके हैं मल्टी लाइन कमेंट और ये दूसरा है सिंगल लाइन कमेंट। डबल स्लैश से स्टार्ट होता है और ये एंड जो है सिंगल लाइन कमेंट होने के कारण जहाँ जब पूरा लाइन ख़त्म हो जाए यहाँ तक कॉल टू मेन तक, तो ये सिंगल लाइन कमेंट के रूप में जाना जाता है। तो अब बात है कि प्रोग्रामर कब सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करता है और कब मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करता है। तो नॉर्मली प्रोग्रामर मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करता है लार्जर रिमार्क्स के लिए और सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करता है ब्रीफ लाइन डिस्क्रिप्शन के लिए। मतलब कि पूरे प्रोग्राम, पूरे कोड के लिए अगर डिस्कस करना हो तो मल्टी लाइन कमेंट एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अगर हम इस पार्टिकुलर लाइन, इस पार्टिकुलर स्टेप्स पे ये कमेंट लिख रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ इस लाइन के बारे में, इस पार्टिकुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा टाइप का भी कमेंट होता है जिसे कि हम डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आगे हम लोग आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अक्स। ये लाइन जो है हम लोग देख सकते हैं मेन मेथड है और मेन मेथड की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये लाइन मेन मेथड को स्टार्ट करने वाला लाइन है। और यहाँ पर ये कमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है, योर प्रोग्राम बिगिंस विथ ए कॉल टू मेन, कि मतलब यहाँ से मेन मेथड की शुरुआत हो रही है और यहीं से जो है मेरा, हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगा मेन मेथड को कॉल करने के द्वारा। अब यहाँ पे इस पूरे लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक कीवर्ड जो है वो एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर कहने का मतलब है कि जो बाहर का दूसरा कोड है वो मेरी कोड को कैसे एक्सेस कर सकता है, इसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमने यहाँ पर जैसे पब्लिक लिखा तो इसका मतलब बाहरी कोड भी आसानी से इसको एक्सेस कर सकता है बिना किसी इशू के। और अगर इसके बदले हम पब्लिक के बदले प्राइवेट लिखते हैं तो वो एक्सेस वो नहीं कर सकता था। कुछ और भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं लाइक प्रोटेक्टेड और तो उनको हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पर पब्लिक का मतलब है कि कोई दूसरा कोड भी इसको एक्सेस कर सकता है। और इस तरह से ये एक्सेस स्पेसिफायर प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि हमारी प्रोग्राम की जो विजिबिलिटी होगी, इस मेथड की या इस क्लास की जो विजिबिलिटी होगी, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब मेन मेथड जो है वो पब्लिक होना चाहिए ऐसा कहा गया, बट क्यों होना चाहिए? तो प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होता है प्रोग्राम का, वो मेन मेथड के ही थ्रू होता है। इसलिए
जेवीएम के लिए इस मेन मेथड का एक्सेस को एक्सेस कर पाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम मेन मेथड को पब्लिक बनाएं। आगे जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पूरा एक ही वीडियो में ले पाना पॉसिबल नहीं है।